साथियों, इस वीडियो में सीडी के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारियां दी जा रही है। सीडी कैसी होनी चाहिए, उसका क्या स्थान होना चाहिए और किस प्रकार उसका घुमाव होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको नई जानकारियां है कुंडली काव्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सीढ़ी चढ़ती आपकी संख्या विषम रखाई, करो रचना तुम उसकी घड़ी घूमती जाय, घड़ी घूमती जाय, घूम लेफ्ट से राइट, जल्दी बेदिन आए एवरीथिंग राइट, कहवाणी कविराज चढ़े सात सात पीढ़ी, अंत स्वर्ग ले जाए रखो पांव स्वर्ण सीढ़ी। भवन निर्माण कार्य के दौरान जब सीढ़ी का निर्माण किया जाता है, वहाँ आपको कुछ विशेष सावधानी रखनी है। सीढ़ी चढ़ती आपकी संख्या विषम रखा है, आपको विषम संख्या के अंदर सीढ़ी के जो सोपान बनते हैं, जिसे राइजर कहा जाता है, जिसे ठोकर कहा जाता है, उसकी संख्या से हमारा संबंध जोड़ा गया है कविता का, वो संख्या आपकी विषम होनी चाहिए। या तो जैसे 21, जैसे 2 का भाग दिया और 1 बच गया, ये संख्या विषम कहलाती है। 21 नहीं बन रही है, कहीं कम बनती है, फिर आप उसको 19 कर लें। यदि ज़्यादा हो रही है तो 21 से बढ़ा करके आप 23 कर लें, 25 कर लें, व्हाटएवर, जो आपके हाइट है और जो स्पेस है उसके अनुसार इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। सीढ़ी चढ़ती है आपकी संख्या विषम रखा है, जो राइजर का पत्थर होगा जिसे ठोकर कहा जाता है, वो विषम संख्या में होगा, ये ध्यान रखनी आपको। करो रचना तुम उसकी घड़ी घूमती जाए, सीढ़ी का निर्माण आपको इस प्रकार करना है जैसे घड़ी घूमती है, यानी क्लॉकवाइज, लेफ्ट से राइट की ओर वो मुड़े, वह सीढ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। घड़ी घूमती जाए, घूम लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट की ओर आपके सीढ़ी का टर्निंग होना चाहिए, वो सीढ़ी लाभदायक है, अच्छी मानी गई है शास्त्रों के अनुसार। जल्दी वे दिन आए एवरीथिंग राइट, आप देखेंगे और देखते देखते वो आपके वापस, वो दिन वापस आएंगे उन दिनों में जब आप सब कुछ अच्छा अनुभव करेंगे, हर प्रकार से आप प्रसन्नता और खुशी अनुभव करेंगे, ऐसे दिन आपके जीवन में शीघ्र ही वापस आएंगे। जल्दी वे दिन आए एवरीथिंग राइट, कह वाणी कविराज चढ़े सात सात पीढ़ी। वाणी कविराज कहते हैं कि सात सात पीढ़ियाँ उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ेगी, उतरेगी, चढ़ेगी, उतरेगी, परिवार वंशानुक्रम से आगे बढ़ता जाएगा, सीढ़ियाँ वहीं रहेगी, क्यों कि आपने अच्छे शुभ मुहूर्त में नियमानुसार अच्छी सीढ़ी आपने चढ़ाई है। कह वाणी कविराज चढ़े सात सात पीढ़ी, अंत स्वर्ग ले जाए रखो पांव स्वर्ण सीढ़ी। परिवार बढ़ेगा, आप बड़े बुजुर्ग की श्रेणी में आ जाएंगे, परिवार वाले कहेंगे लो जी दादाजी, लो जी परदादा जी, आप स्वर्ण सीढ़ी पे पांव रखो, ये परम सौभाग्य का दिन होता है। और इस प्रकार की उपलब्धियों के बाद साधक एक साधना में चला जाता है, अध्यात्म मार्ग की ओर चला जाता है, अर्थ धर्म कर्म मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति में लगता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है, अंत स्वर्ग ले जाए, अंत में वो व्यक्ति साधना करता हुआ स्वर्ग की ओर बढ़ता है, स्वर्ग में उसका उसे स्थान मिलता है और स्वर्ण सीढ़ी पे पांव दे करके अपने सांसारिक उत्तरदायित्व को पूर्ण करता है। इस प्रकार सीढ़ी के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ। सीढ़ी सर्वश्रेष्ठ जो दक्षिण दिशा होती है, दक्षिण दिशा का जो सेंटर पोर्शन होता है उसमें सीढ़ी लाभदायक होती है। यदि वहाँ आपको उचित नहीं लग रहा है, संभव नहीं लग रहा है, तो फिर सीढ़ी पश्चिम दिशा का जो सेंटर पार्ट होता है, इधर नैऋत्य कोण की तरफ नहीं,
सेंटर भाग वहाँ पर भी सीढ़ी बनाई जा सकती है, और वहाँ भी नहीं बन रहा है तो जो वायु कोणा है यानी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और पश्चिम का जो कॉर्नर है वहाँ पर भी सीढ़ी बनाई जा सकती है। ये तीन चार स्थान हैं सीढ़ी के, लेकिन ईशान कोण में सीढ़ी नहीं बनाए, ईशान कोण में सीढ़ी लाभदायक नहीं होती है। विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ आपके जीवन में आती है जब ईशान कोण में सीढ़ी बन जाती है। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है, आजकल आधुनिकता के अच्छे इस डेकोरेशन के दौर में, इस दिखावे के दौर में ऐसा भी हो जाता कि सीढ़ी भी चढ़ा देते हैं ईशान कोण में, और ऊपर उसके लिए वो कवरिंग उसको कर देते हैं, जिससे परेशानियाँ और बड़ी हो जाती है। ईशान कोण में सीढ़ी बना देने के बाद वो भी हानिकारक है, लेकिन लोगों की जानकारी में नहीं होता है, और वो जो है उसको कवर कर देते हैं, जिसको अपन माल्या कहते हैं, वो माल्या भी ऊपर बना देते हैं, तो ईशान कोण की हाइट और ऊंची हो जाती है, जो मकान के लिए निवासियों के लिए कहीं लाभदायक नहीं होती, वो नुकसान करती है, हानिकारक होती है। जहाँ ईशान कोण के अंदर सीढ़ी बना दी जाती है भूल से या किसी वजह से या मजबूरी से और ज्ञान के अभाव में, ऐसी स्थिति में जब सीढ़ी बन जाने के बाद ऊपर माल्या भी बना देते हैं, और उस वहाँ तक कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसके ऊपर माल्या के ऊपर पानी की टंकी भी रख देते हैं, तो ये वो रखते तो इस कॉमन सेंस के आधार पर छोटा सा आइडिया लगा लेते हैं कि यहाँ पर जो है पानी की टंकी रखेंगे तो पानी का प्रेशर ज़्यादा बनेगा, हम जहाँ जाएंगे वहाँ पानी आसानी से और अच्छे प्रेशर से पहुँच जाएगा। लेकिन इस ये सोच उनके लिए लाभदायक नहीं होता है, वो इससे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ईशान कोण के अंदर ऊपर माले के ऊपर जो रखा गया पानी वो लाभ नहीं देता, वो हानि देता है, नुकसान देता है, गृह स्वामी को कई प्रकार की मुसीबतों में उलझा देता है, और बड़ी प्रयास करने बाद कोशिश करने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाते हैं, ऐसी परेशानियाँ जीवन में आ जाती है। ईशान कोण के अंदर अंडरग्राउंड का पानी, जमीन के नीचे का पानी, भूतल के नीचे का पानी वो लाभदायक होता है, न कि ओवरहेड टंकी वाला पानी। ओवरहेड टंकी वाला पानी केवल नैऋत्य कोण के अंदर आपको अच्छा लाभ देगा, अच्छी स्थिति अच्छे परिणाम देगा, या फिर पश्चिम दिशा के अंदर भी आप ओवरहेड टंकी बना सकते हैं, नैऋत्य कोण में भी बना सकते हैं, थोड़ा सा इधर हट करके आप थोड़ा दक्षिण तक थोड़ा आ सकते हैं। इन क्षेत्र में ओवरहेड टंकी लाभदायक होती है, आप निर्माण कार्य में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो विभिन्न प्रकार के आप सुविधाएं आप प्राप्त करेंगे, विभिन्न प्रकार की प्रसन्नताएं प्राप्त करेंगे। और अगर आपने गलती करी है, किसी की बात नहीं मानी है या जानबूझ के गलती करी है, तो इसके जो है विषम परिणाम प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।